आपको बता दें कि लालू यादव को जमानत मिलने के बाद रावड़ी आवास के बाहर समर्थक जुटने लगे हैं। लोग एक दूसरे को मिठाइयां बांट रहे हैं। किस तरह का माहौल है वहां, जायजा लिया हमारे संवाददाता उत्कर्ष ने। अभी हम मौजूद हैं रावड़ी आवास पर। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यही है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का घर। आपको बता दें कि आज उनके लिए बड़ी खबर और बड़ी राहत भरी खबर यह है कि उन्हें आज दुमका कोषागार से अवैध निकासी के नाम पर बेल मिल गई है। करीब 3.5 साल बाद उन्हें बेल मिली है। ऐसे में वो रांची हाईकोर्ट से उन्हें बेल मिली है और अभी वह दिल्ली के अस्पताल में एडमिट है, अपना इलाज करा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कितने दिनों बाद कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें बाहर आना पड़ता है। हालांकि करीब 3.5 साल हो गए हैं जो उनके जेल गए हुए, इसके बाद उन्हें आज बेल मिली है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ के लोगों में खुशी है, यहाँ के सुरक्षा कर्मियों में, यहाँ पे मिठाई बांटी जा रही है और सारे लोग खुशी मना रहे हैं। जो लालू यादव को बेल मिली उसके बाद जो समर्थक हैं, चाहे वो उनके पुलिसकर्मी हो, चाहे अंगरक्षक हो, चाहे तेजस्वी यादव के, वो सारे लोग अब यहाँ पे खुशी मना रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीर के माध्यम से कि यहाँ पे मिठाई बांटी जा रही है और जो लोग हैं वो काफी खुश हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं, मिठाई बांटी जा रही है और जो अंगरक्षक हैं वो भी काफी खुश हैं। और जिस तरीके से इतने दिनों बाद उन्हें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात हुई है कि उन्हें खुशी हुई है। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो लालू प्रसाद यादव हैं उन्हें बेल मिला करीब 3.5 साल बाद, कैसी खुशी है आपके? ये हम ही लोग की खुशी नहीं है, पूरे बिहार की खुशी है भैया। पूरे बिहार की जनता खुश है, हम लोग थोड़े ही खुश है। तो इस तरीके से जो सुरक्षा कर्मी है वो भी बोल रहे हैं कि जो पूरी बिहार की जनता है वो खुश है। लालू प्रसाद यादव आरजेडी के सुप्रीमो हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और अभी देख रहे हैं किस तरीके से जो महिलाएं हैं, चाहे जो भी हो, जितने भी अंगरक्षक हैं, वो सारे लोगों में खुशी की लहर दौड़ रही है। और कहीं ना कहीं एक तरीके से यह आरजेडी के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। कैमरा पर्सन अमित के साथ में उत्कर्ष, नेशन न्यूज़।